बड़ी खबर अकोला से मिल रही है, जहां पर यात्रियों ने गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया है। बता दें कि दुर्व्यवहार की घटना पर यात्रियों ने गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रुका दी है। दुर्व्यवहार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 12,860 का मामला है। मुंबई जाने वाली गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस रोकी गई है। ट्रेन में दुर्व्यवहार होने पर यात्रियों ने ट्रेन को रुकवा दिया है। एक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की भी मांग की है। मौके पर जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। यात्रियों को समझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर अकोला से मिल रही है, जहां पर ट्रेन के अंदर दुर्व्यवहार की घटना होने पर यात्रियों ने गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को रुकवा दिया है। तस्वीरें स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस प्रकार से यात्रियों ने जोरदार हंगामा किया है, ट्रेन के आगे खड़े होकर हंगामा किया है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सीधा तस्वीर है अकोला से, एमके न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आप किस प्रकार से यात्रियों ने सुपरफास्ट ट्रेन को रोक दिया है। और जानकारी के अनुसार यात्रियों से दुर्व्यवहार की घटना सामने आई थी और इसके बाद में यात्री नाराज हो गए और ये प्रदर्शन करने लगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता साहिद, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। साहिद, वहां पर लगातार प्रदर्शन देखने को हमको मिल रहा है, यात्रियों ने ट्रेन के आगे रुककर जोरदार प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांग है उनकी और क्या कुछ मामला है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अकोला में गीतांजलि एक्सप्रेस जो 12860 मुंबई की ओर जाने वाली एक्सप्रेस जब 2:16 पर अकोला पहुंची तो कुछ ट्रेन से निकले यात्रियों ने ट्रेन के सामने आकर ट्रेन को रोक दिया और उनकी मांग थी कि जो जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार ट्रेन के भीतर किया गया, उनके लेडीज को महिला के महिलाओं के साथ में और उनके साथ में, उसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया और धीरे धीरे करके वो भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। आपको मैं बता दूं कि आज अकोला में कल दीक्षा भूमि पर जो दशहरा कार्यक्रम धम्मा चक्कर का आयोजन परिवर्तन दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था, आज उसी के आगे का कार्यक्रम अकोला में बड़ी संख्या में होता है, जिसमें लाखों की संख्या में भीम सैनिक यहाँ पर जमा होते हैं और ये जो दलित समाज यहाँ पर जमा होने के बाद में यहाँ पर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर जो उनके राष्ट्रीय नेता है वो यहाँ उनको संबोधन करते हैं। इसके लिए भी ये भीड़ एकत्रित थी और जिसके बाद में ये भीड़ रेलवे स्टेशन पर लगातार बढ़ती चली गई और उनकी मांग ये रही कि ट्रेन रोकने के बाद कि जब तक वो दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती वो आगे या ट्रेन को आगे नहीं जाने देंगे। मैं इसी बीच में जीआरपी और आरपीएफ के और पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन यात्रियों की एक मांग भी है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, इसको लेकर अधिकारियों ने क्या कुछ आश्वासन दिया है? अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद उनको आश्वासन दिया कि आगे के लिए जो भी है उसका ख्याल रखा जाएगा, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा और उनकी जो दुविधा उनको दिक्कतें हो रही है जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनकी जो मांग है स्पेशल ट्रेन की उसको भी जल्द से जल्द देखकर उस पर अमल किया जाएगा, जिसके बाद अकोला से जो जो जिम्मेदार थे दलित समाज के उन लोगों ने जिसमें राजेंद्र पातोड़े, आकाश सिरसाट और खैर बबलू लीडर करके और साथ ही साथ जो यहाँ के डोंगरे इन लोगों ने मिलकर या और पराग गवई इन लोगों ने आगे आकर इन लोगों को समझाया आंदोलनकारियों को और उनको वहां से ट्रेन के पास से हटाकर ट्रेन को लगभग 4 बजे के समय अकोला से रवाना किया गया। बिल्कुल शायद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबर अकोला से मिल रही है, जहां पर ट्रेन में दुर्व्यवहार की घटना होने पर यात्रियों ने ट्रेन को रुकवा दिया है। बता दें कि दुर्व्यवहार करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 12,860 का ये पूरा मामला है। मुंबई जाने वाली गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस रोकी गई है। ट्रेन में दुर्व्यवहार होने पर यात्रियों ने इस ट्रेन को रुकवा दिया है।